सताते हो बिन तुम्हारी हो मैं बिन तुम्हारी हो मैं और इतना क्यों रुलाते हो रत से नीच खींच भैया इतना क्यों वसुदेव जी ने देखा है और देख करके वसुदेव जी ने उसी समय देवकी के करुण क्रंदन वचनों को सुन करके कहा है कि देखिए मैं देवकी की सौगंध खा करके कहता हूं अगर देवकी से एक एक पुत्र होगा तो एक एक करके देता जाऊंगा अगर देवकी से बह है तो मार दीजिए पुत्र से बह तो तुम्हें दे दूंगा छोड़ दिया घर ले आए देवकी बहुत बड़ी पतिव्रता बनी उसने सब देवताओं को नमन कियो है उसके बाद में समय आने पर देवकी ने एक पुत्र पैदा किया जन्म दिया कंस को लाकर वसुदेव जी ने दिया है और जैसे ही वसुदेव जी ने ला करके दिया कंस के लिए वो पुत्र वापस कर दिया कहा है कि इसमें इतना कहां बल है जो मार सके आठवां पुत्र लेकर के आना है धीरे 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 दिन गुजरते जा रहे पुत्र वापस किया है ना तब नारद को चैन नहीं पड़ा नारद ने बीड़ा उठाओ और उठा करके चली आए कंस को आए कि समझाओ काहे को पागल भय राजा जो पुत्र वापस कर दियो तुम्हें क्या पता कौन सा पुत्र तुम्हारा काल होगा पहला बीच का या लास्ट का इसका मतलब मार दिया जाए बोले तुम जानो नारद चले गए
वसदेव देव की को बुलवाया, हथगड़ी बेड़िया डाली, कारागृह में बंद कर दियो, पहरेदार लगाए थे, फाटकों से ताले लगाए थे। धीरे धीरे देवकी के 6 पुत्रों को उसने मार दिया। 7वें की बारी थी, कंस की यहां तैयारी थी। सहस्रमुखों के शेष नाग आए, सब देवताओं ने स्तुति की है। तब उन्होंने योग माया को भेजो और कहा है कि गर्भ निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दो, बहुत जल्दी मैं भी आने वाला हूं। और ये सौर भाई भरत सिंह साहब की गाना और गजल, अच्छा गाना और गजल दोनों चीजें एक संग माने गए। गजल